हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G और दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE2 Lite 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो गैलेक्सी के F34 5G को 18,999 रुपये के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नोट CE2 Lite 5G को 17,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, तो जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो गैलेक्सी के F34 5G का प्राइस 1000 रुपए ज्यादा, पर ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G से बेटर हो जाता है, क्योंकि गैलेक्सी के F34 5G में सैमसंग का एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी F34 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतिम स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी आगे निकल जाता है गैलेक्सी का F34 5G, क्योंकि गैलेक्सी के F34 5G का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है 477,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है 404,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो गैलेक्सी के F34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर हो गई, प्राइस में सिर्फ 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है गैलेक्सी का F34 5G। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बेटर हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G, उसी तरह डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है गैलेक्सी का F34 5G, क्योंकि गैलेक्सी के F34 5G में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G में 6.59 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के F34 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.7 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F34 5G के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है वन प्लस का नॉट CE2 Lite 5G, क्योंकि वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 33 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F34 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। गैलेक्सी के F34 5G का प्राइस 1000 रुपए ज्यादा, पर ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो वन प्लस के नॉट CE2 Lite 5G से बेटर हो जाता है। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बिग बैटरी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को ये सब वन प्लस के नॉट सी
C2 LED 5G में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 1000 रुपीज ज्यादा खर्च करके सैमसंग गैलेक्सी F34 5G को ही बाई करें।